हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही प्राइम लोकेशन में लेके आई हूँ। आज मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस दिखाने वाली हूँ। 112 गज का इंडिपेंडेंट हाउसेस, अभी उसका थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। जिस तरह से हमने ये सैम्पल हाउसेज आपको अभी दिखाने वाली हूँ, जिस तरह से ये रेडी करा है, सेम ऐसा ही आपको बना के देंगे। उसमें आपको थोड़ी चीज़ें जो है डिफरेंट रहने वाली है। अगर आप पहले ही उसको बुक कर लेते हैं या बाय कर लेते हैं, आपको उसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपना वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउन सीलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड आपके जो कबर्ड्स में कलर कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम माइका कहते हैं, उन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ऑप्शंस मिल जाता है। तो सेम इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको इंटीरियर सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहे, या फिर आपके पास भी अगर कोई इस तरह का इंटीरियर अपने पसंद का इंटीरियर हो तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। हम आपको सेम वैसा ही बना के देंगे। आज जो प्रोजेक्ट दिखाने जा रही हूँ गेटेड सोसाइटी में बना है, और अपना MC अप्रूव रहने वाली है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपका बजट कम है, हमारे पास कम बजट के घर भी अवेलेबल है। नियर बाय मार्केट की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि जब हम घर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियर बाय हमें क्या क्या चीज़ें की फैसिलिटी मिलने वाली है, या किस तरह का रहने वाला है, हमें नियर बाय मार्केट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, उन चीज़ों का हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बात करते हैं नियर बाय फैसिलिटीज़ की। जो नियर बाय आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, आपको वॉक इन डिस्टेंस पे ही डेली नीड्स की शॉप मिलने वाली है, वॉक इन डिस्टेंस पे ही आपको बैंक फैसिलिटी मिलने वाली है HDFC बैंक की, और इसी के साथ ही स्कूल कॉलेजेस भी आपको वॉक इन डिस्टेंस पे मिलने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये हमारा हाईवे से सिर्फ आपका 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। अगर आप बात करते हैं शॉपिंग मॉल की या सिविल हॉस्पिटल की, तो वो भी आपको 1 किलोमीटर पे मिलने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने लुधियाना हाईवे और कुराली हाईवे पे लोकेटेड है। और इसी के साथ ही आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम चलते हैं अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस की तरफ। पहले देखते हैं हम इसका फ्रंट एलिवेशन, फिर देखते हैं हम इंटीरियर किस तरह से हमने इसको डिज़ाइन करा है, या कैसे कैसे चीज़ें हमने लोकेट करी है अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस में। तो आप भी इसी तरह से अपना जो घर बना रहे हैं, या फिर जो परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके माइंड में थोड़ा सा है कि मुझे भी अपना इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर आपको भी अपने सपनों का घर लेना है, तो इसी तरह का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी फ्रंट एलिवेशन। अपने डोर के पास, अगर हम डोर की बात करते हैं, आपको डबल डोर प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक आपका नेट डोर रहेगा और एक आपका
वुडन का डोर रहेगा। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं, जो डोर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सागवान डोर रहेगी आपके, और जिसमें कि आपको जो नेट डोर है उसमें जो रहने वाला है उसमें आपको स्टील का वर्क एंड विद डबल नेट प्रोवाइड करवा रहे हैं और थोड़ा सा ग्लास का वर्क रहने वाला है। तो इसी के साथ ही हम नज़र डालते हैं अपनी डोर पर, तो चलिए। तो ये रहने वाला हमारा सेकंड डोर, जो हम डोर यूज़ कर रहे हैं वो हम जो है सागवान डोर यूज़ कर रहे हैं, और बीच में आपको टिक वर्क मिलने वाला है। तो हम पहुंच गए अपने लिविंग एरिया में, एंड लिविंग एरिया की थोड़ी सी हम डाइमेंशंस की बात करते हैं। जो हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 10x20 का। 10x20 का बहुत बड़ा साइज़ होता है, मैं आपको थोड़ा इसका साइज़ भी बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। एंड जो हम यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे वॉलपेपर, आपको जी हाँ यहाँ पे वॉलपेपर भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको एसी का भी प्रोविज़न मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो फैंसी लाइट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक बार हम ये एरिया देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको कस्टमाइज़ करा है, तो आप भी इसी तरह से अपने घर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ ही ये हमारा LCD पैनल रहने वाला है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। एंड कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप इजीली अपनी 42 इंच की LCD भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप डेकोरेटिव आइटम भी लगाना चाहें या बुक शेल्फ कंपोज करना चाहें वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं हम अपने LCD पैनल पर। देखा था ये हमारा LCD पैनल था, एंड लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया का भी आपने स्पेस देख लिया है। इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने डाउन सीलिंग, जो काफ़ी अच्छा एंड एलिगेंट डिज़ाइन के साथ हमने बनाया है। अगर हम डाउन सीलिंग बनाते हैं तो आपके घर को एक अच्छी लुक मिलती है, एंड काफ़ी स्पेशियस सा आपका जो है लिविंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया लगता है। तो इसी के साथ ही हम नज़र डालते हैं अपने डाउन सीलिंग पर, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं डाउन सीलिंग विद लाइट्स। तो देखिए एक बार, रहने वाला है हमारा किचन एरिया। किचन एरिया काफ़ी स्पेशियस है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें, साइज़ रहने वाला है इसका 8x10 का। एक बार हम कलर कॉम्बिनेशन पे नज़र डालते हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, काफ़ी स्पेशियस सा लग रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कलर कॉम्बिनेशन, इसी के साथ ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी डाउन सीलिंग। देख सकते हैं जिस तरह से हमने झूमर हैंग करा है, आप भी इसी तरह से अपने घर पे झूमर हैंग कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ ये रहने वाली है हमारी वैनिटी, काफी स्पेशियस है देखने में। एक बार आप देख सकते हैं नजदीक से, और अगर हम इस साइड को देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रॉअर मिलने वाले हैं। आपको देख सकते हैं ये हम जो है कॉर्नर प्लेस कर रहे हैं, ये अपने हाइड्रोलिक रहने वाले हैं, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है।
और इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो यहाँ पे भी आपको क्रॉकरी सेट वगैरह मिलने वाले हैं। ये इजी टू रिमूवेबल है, ये इजी टू रिमूवेबल है, देख सकते हैं आप। कबर्ड्स की बात करें, काफ़ी स्पेस हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपने जो बड़े यूटेंसिल्स हैं उनको आप ऊपर रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था फुल हाइट तक टाइल वर्क, फुल हाइट तक आपको कबर्ड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। नीचे आप जो डेली यूज होने वाले यूटेंसिल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको चिमनी। ये हमारे जो है इलेक्ट्रिकल चिमनी रहने वाली है विद टच के साथ, ये देख सकते हैं आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चिमनी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इस साइड को देखें तो इस साइड को ये देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको डिश वॉशिंग एरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही साथ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये था हमारा किचन सेक्शन। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम में ले जाने से पहले आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करें, एंड जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको आने वाली प्रॉपर्टी की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए तो इसी के साथ ही ये हमारे जो है कबर्ड रहने वाले हैं। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप अपने किचन के साथ बिल्कुल मैच करते हुए हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम देखें स्पेस तो स्पेस आपको काफ़ी मिलने वाला है जहाँ पे आप अपने डेली यूज़ के क्लोथ्स जो है इजीली कस्टमाइज करके रख सकते हैं और जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं लाइक सीजनली आप यूज़ करते हैं वो आप ऊपर रख सकते हैं। फुल हाइट तक आपको यहाँ पे कबर्ड्स मिलने वाले हैं। डबल लॉक आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बोथ साइड आपके देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप अपने ब्लैंकेट रखना चाहे ब्लैंकेट भी आप रख सकते हैं या क्विल्ट वगैरह रखना चाहे वो भी आप इजीली रख सकते हैं। तो आपको स्पेस भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी इसका कि थोड़ी देर में नहीं अभी साथ के साथ दिखा दूँगी। प्रॉपर आपने देखा होगा फुल हाइट तक कबर्ड रहने वाले हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम इस साइड को देखें तो ये रहने वाली है हमारी एलसीडी। एलसीडी की बात करें तो आपको बेडरूम में हॉल में आपको एलसीडी प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रॉपर देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही ऊपर मिलने वाली है आपको डाउन सीलिंग। तो इसी के साथ ही ये रहने वाला है हमारा अटैच वॉशरूम जहाँ पे आपको वॉल टू वॉल टाइल मिलने वाली है। साथ ही आपको जो बाथ फिटिंग प्रोवाइड होगी वो आपकी सेरा ब्रांड की बाथ फिटिंग प्रोवाइड होगी। एंड एक अच्छी बात आपको वॉशरूम में ये है कि हमने आपको यहाँ पे भी कवर्स प्रोवाइड करवाया ताकि आप अपने वॉशरूम के आइटम को वहाँ पे कस्टमाइज करके रखें। एंड इसी के साथ ही आपको शावर के पॉइंट, गीजर के पॉइंट एंड टावल हैंगिंग या क्लोथ हैंगिंग, डाउन सीलिंग आपको यहाँ मिलने वाली है, वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रॉपर मिलने वाली है। एंड जो हम फ्लोर पे हमने जो टाइल लगाई है अपने वॉशरूम में, एंड ये जो है आपको एंटी स्किड्स मिलने वाली है, इससे स्लिप होने का डर नहीं रहता है। तो एक बार हम वॉशरूम भी देख लेते हैं। हमारा वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप इजीली अपनी जो है आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। आपको स्विचेस यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, टैप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेंटिलेशन भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलने वाली है। तो देख ही सकते हैं आप काफ़ी सनलाइट आ रही है एंड एयर वगैरह भी इजीली यहाँ पे क्रॉस हो सकती है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा वॉशिंग एरिया। तो इसी के साथ ही आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से मिलने वाला है। वॉल पे वॉलपेपर मिलने वाला है, प्रॉपर आपको कवर्स मिलने वाले हैं जैसे आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था। और इसमें भी प्रॉपर आपको जो है अपना स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है।
LCD पैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दे रहे हैं, प्रॉपर देख सकते हैं स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो साथ ही साथ आपको ऊपर भी डाउन सीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, देख सकते हैं आप एक बार रूम। तो ये इसी के साथ ही जो हमारा सेकंड वॉशरूम रहने वाला है, सेकंड वॉशरूम भी सेम एज इट इज़, वॉल टू वॉल आपको टाइल मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे गीजर का पॉइंट एंड अपने शावर का पॉइंट हो गया एंड वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन के लिए भी प्रोविज़न हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। मिरर एंड क्लोथ होल्डिंग या फिर टावल होल्डिंग भी कह सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं हमारा वॉशरूम। एंड अगर हम इसके साइज़ की बात करें, साइज़ का रहने वाला है 5x6 का। तो ये हमारा डोर रहने वाला है, एक बार आप देख सकते हैं प्रॉपर। तो इसी के साथ ही अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इंटीरियर की ओर। तो ये हमारा जो है सेकंड डोर रहने वाला है, देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ ही इस सेट को अगर देखिए तो ये हमारा किचन सेक्शन रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर में हमने जो है एंटर कर दिया है। फर्स्ट फ्लोर में हमारा 1 BHK, ये वाला आप इजीली जो है रेंट पे भी आप दे सकते हैं। अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपका नियर बाय है, इसलिए रेंट आपको यहाँ पे आ जाएगा। एंड 8 to 10,000 के आसपास यहाँ पे इजीली रेंट पे चढ़ जाते हैं फ्लैट। और देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो काउंटर प्रोवाइड करवाया है, ग्रीन एंड ग्रे का काउंटर प्रोवाइड करवाया। आपको प्रॉपर कवर सेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चिमनी के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस दिया है एंड गीजर के लिए भी आपको प्रोविज़न दिया है, RO के लिए भी। एंड ये आ जाता है आपका डिश वॉशिंग एरिया। तो इसी के साथ ही वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रही है। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना डाइनिंग एरिया। तो ये रहने वाला है हमारा डाइनिंग एरिया, देख सकते हैं यहाँ पे आप इजीली अपना 4 to 5 seater डाइनिंग टेबल इजीली आप प्लेस कर सकते हैं। हमने जो है बेडरूम एंड हॉल के साथ आपको कॉमन जो है वॉशरूम प्रोवाइड करवाया है। एंड हमारा फर्स्ट फ्लोर में आपको प्रॉपर जो है POP का वर्क रहेगा। डाउन सीलिंग आपको ओनली ग्राउंड फ्लोर में ही अवेलेबल करवा रहे हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको अटैच वॉशरूम की तरफ। तो एक बार देखिए, तो ये रहने वाला है हमारा अटैच वॉशरूम, सेम एज इट इज़ इसी तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये विंडो मिलने वाली है और इस सेट को देखिए तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वॉश बेसिन, मिरर और गीजर और शावर के पॉइंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेम एज इट इज़ इसी तरह से। और इसी के साथ ही अब हमने एंटर कर दिया अपना बेडरूम। ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप अपना डबल बेड इजीली लगा सकते हैं। बोथ साइड आपको चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। वॉल पे एक डिसेंट सा वॉल पेपर देख सकते हैं, एसी के लिए भी प्रोविज़न दिया है। इसी के साथ ही ये रहने वाला है हमारा कवर सेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने फुल हाइट कवर्स आपको प्रोवाइड करवाया। एक हमने यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया प्रोवाइड करवाया है विद मिरर, देख सकते हैं आप प्रॉपर। तो अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर आपको मिलने वाली है डाउन सीलिंग, ये देख सकते हैं प्रॉपर हमने यहाँ पे आपको जो है POP का वर्क प्रोवाइड करवाया है।
और अगर आप इससे को आए तो यहाँ पे आपको जो है वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलने वाली है, ये देख सकते हैं एल टाइप में आपको यहाँ विंडो मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको एलसीडी का भी प्रोविज़न मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर, जैसे मैंने आपको कहा था ये अपना जो है रेंटल पर्पज़ से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद शिफ्ट होना है खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आप रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ कमेंट करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी किसका प्राइस क्या रहने वाला है। प्रॉपर जैसे मैंने आपको बताया था गेटेड सोसाइटी में है, आपको यहाँ पे पार्क फैसिलिटी मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको जो है मेन गेट पे आपको जो है डेली नीड्स की शॉप मिलने वाली है। अपने पास यहाँ पे 4 BHK 5 BHK हाउसेस भी अवेलेबल है अगर आपका बजट ज़्यादा है, और या अगर आपका बजट कम है तो हमारे पास कम बजट के घर भी अवेलेबल है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड थैंक यू सो मच।